पद संख्या 21 से 35 में बताया गया है, बहुत सुंदर तरीके से, 7 बार नहीं, 70 × 7 बार। ये 70 × 7 बार गुणा भाग मत कीजिए। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, आत्मदर्शन टीवी के माध्यम से मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं। आज संत मत्ती के अध्याय से पवित्र सुसमाचार लिया गया है। संत मत्ती इस पवित्र सुसमाचार में बताते हैं कि सिमोन पेत्रुस यीशु के पास गया। यीशु के पास जाकर उसने पूछा कि प्रभु, मुझे कितनी बार एक व्यक्ति को माफ करना चाहिए जो मेरे विरुद्ध गलतियां कर रहा है? और बड़े गर्व से उसने बताया यीशु को, 7 बार। और देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त का उत्तर बहुत सुंदर है। प्रभु ने बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली, बिल्कुल स्पष्ट कहा कि आप अनगिनत समय तक माफ करते रहो। मैं सोच रहा था क्या यह संभव है, क्या हम किसी व्यक्ति को ऐसे माफ कर सकते हैं, क्या हमारे दिल को चोट नहीं लगती यदि कोई हमें तकलीफ देता है? तो जरूर जरूर तकलीफ होती है। बाइबल में पढ़ना, बाइबल को समझाना बहुत आसान है, लेकिन अपने जीवन में इसे लागू करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जब मैं चिंतन कर रहा था, जब मैंने इन पंक्तियों पर चिंतन किया, तो मैंने समझा कि प्रभु की भावना बहुत ही उत्तम है। देखिए, यदि हम उस व्यक्ति को माफ नहीं करते हैं, यदि उसकी खार को हमारे दिल में उतार के रखते हैं, तो हमें आशीष नहीं मिलेगी। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा दिल साफ होना चाहिए। प्रभु यह बताना चाहते हैं कि यह जरूरी नहीं है, उस व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि आपसे माफी मांगे या नहीं मांगे, पर तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि तुम्हारा दिल साफ होना चाहिए। और जब तक मेरा दिल साफ नहीं होगा, मुझे आशीष नहीं मिलेगी, मुझे बरकत नहीं मिलेगी। देखिए, प्रभु ने इन पंक्तियों में जमींदार के बारे में बताया है, किस प्रकार से उसने वसूला, किस प्रकार से माफी दी गई और उसने बदले में माफी नहीं दी। प्रभु ने पूछा, क्या तुम्हें जिस तरह से माफ किया गया था, तुम भी उसे माफ नहीं कर सकते थे? जिस नाप से तुम्हें तोला गया है, उस नाप से तुम भी नहीं तोल सकते थे? इसलिए इसे कारागाह में डाल दो। जी हां प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा ईश्वर एक दयालु ईश्वर है। इस चालीसे में यदि मैं दयालु नहीं हूं, इस चालीसे में यदि मैं ईश्वर के वचन के आधार पर अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करता हूं, तो मैं गलत करता हूं। मुझे मेरा दिल साफ रखना है, जो करना है वो तो करना है, लेकिन दिल में कोई खराश नहीं होना चाहिए, दिल में कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए। जो आपको बोलना है स्पष्ट बोलिएगा, माफ कर दीजिएगा। आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग हैगा, परंतु हम प्यार से एक दूसरे से भिन्न हो जाएं, दिल में कोई खराश नहीं रखें, अन्यथा दोनों को आशीष नहीं मिलेगी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए समझने की कोशिश करें कि हमारा ईश्वर दयालु है,
जिस प्रकार वो बारंबार माफ करता है, मैं भी अपने लोगों को, अपने साथियों को बारंबार माफ करूं और अपने दिल को स्वतंत्र रखूं, साफ रखूं। आमीन।